दोस्तों भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरा दिन बहुत ही बुरा रहा। भारतीय टीम पहले 46 रन पर सिमट गई और उसके बाद भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में तगड़ा झटका लगा। पारी के 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा का सामना डिवान कन्वे कर रहे थे। गेंद पिच से उछाल लेने के बाद आप स्टंप के करीब से निकली जो ऋषभ पंत के घुटने में जा लगी। चोट इतना ज्यादा गंभीर लगा कि ऋषभ पंत मैदान पर लेट गए। फिजियो भी आया और उपचार के उपरांत ऋषभ पंत ठीक नहीं हुए। इसके बावजूद ऋषभ पंत को मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। भारतीय टीम का स्टार खिलाड़ी इस तरह कंधे का सहारे लेकर मैदान के बाहर गया। ऋषभ पंत के स्थान पर ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के लिए आज का दिन काफी बुरा रहा। क्रिकेट और सभी प्रकार की अपडेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट न्यूज में। जय।